एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 32 से 36 और क्वेश्चन नंबर 38, इन सब में हमने प्रूफ करना है एक स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। और इन सब क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी है उसमें इनइक्वालिटी है। एज यूजुअल जो स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी है उसका नाम हम एस एन रख लेते हैं। चूँकि इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, सबसे पहले मैं कुछ ऐसे रिजल्ट्स डिस्कस कर लेता हूँ जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमें कॉमनली प्रैक्टिस हो गई होती है इक्वालिटी के अंदर। और इक्वेशंस को डील करते हुए हमें मालूम होता है कि जब भी हमने कोई ऑपरेशन करना है तो इक्वेशन की दोनों साइड्स पर करना है, लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं इनइक्वालिटी लिखी है कि 10 इज ग्रेटर देन 6 है, और अगर मैं ऐसा करूं कि राइट साइड पर जो छोटी साइड है उसमें से एक नंबर माइनस कर दूं, 10 इज ग्रेटर देन 3, क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू है? 10 ग्रेटर देन 6 ट्रू थी, ये भी ट्रू है। हमने 3 को माइनस किया है सिर्फ राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं किया। इक्वालिटी में क्या होता था कि माइनस करना है तो दोनों साइड्स पर करना है, लेकिन इनइक्वालिटी में अगर छोटी साइड में से कोई नंबर माइनस कर लें तो इनइक्वालिटी पहले थी ट्रू थी तो बाद में भी ट्रू रहती है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि जिस नंबर को माइनस कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो। अगर फ़र्ज करें यही इनइक्वालिटी है, 10 इज़ ग्रेटर देन 6 और मैं राइट साइड से माइनस कर देता हूँ माइनस का 5, अब क्या होगा? 10 ग्रेटर देन 6 प्लस 5 यानी 11, इनइक्वालिटी ट्रू नहीं रही, फाल्स हो गई। अगर आप छोटी साइड में से कोई पॉजिटिव नंबर माइनस कर लें तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं रहता, इनइक्वालिटी पहले ट्रू थी तो बाद में भी ट्रू ही रहेगी। लेकिन अगर माइनस का नंबर माइनस कर लें तो इनइक्वालिटी फ़ाल्स भी हो सकती है। इसलिए ये बात याद रहे कि इनइक्वालिटी में अगर आप छोटी साइड पे से कोई पॉजिटिव नंबर माइनस कर लें तो इनइक्वालिटी अगर पहले ट्रू थी तो बाद में भी ट्रू रहेगी। इसी तरह से अगर इनइक्वालिटी की बड़ी साइड पर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर लें, सिर्फ एक ही साइड पर कर रहे हैं हम ये ऑपरेशन, 10 में 2 ऐड कर लिया, 12 ग्रेटर देन 6, क्या ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, इनइक्वालिटी पहले भी ट्रू थी, इनइक्वालिटी अब भी ट्रू है। यानी इनइक्वालिटी की ग्रेटर साइड पर कोई नंबर ऐड भी किया जा सकता है। छोटी साइड से कोई पॉजिटिव नंबर माइनस कर लें इनइक्वालिटी ट्रू रहती है, बड़ी साइड पे कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर लें इनइक्वालिटी ट्रू रहती है। इन बातों को जहन में रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। यही सारी बातें हम इस्तेमाल करेंगे 32 से 36 और 38 क्वेश्चन में। हमने इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और इस स्टेटमेंट में गिवन ये है कि ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी है फॉर ऑल इंटीजर्स एन ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए। एक्सटेंडेड प्रिंसिपल में कंडीशन 1 में हम एन की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो कंडीशन 1 में यहाँ पे इंटीजर की स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है, तो एस 3 को चेक करेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एन की जगह 3 लिख लिया, 3 स्क्वायर ग्रेटर देन 3 प्लस 3, 9 ग्रेटर देन 6, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ऑब्वियसली ट्रू है, 9 ग्रेटर देन 6 होता है। एस 3 ट्रू हो गई, कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई। अब कंडीशन 2 को चेक करते हैं। हमें मालूम है कंडीशन 2 में 2 स्टेप्स होते हैं, हम एस के को ट्रू मान के एस के प्लस 1 को प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हमने के लेना है हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 3 के लिए। पहले मैं एस के प्लस 1 लिख लेता हूँ और फिर एस के को ट्रू मान के एस के प्लस 1 को प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट एस के प्लस 1 कैसे बनेगी? यहाँ से एन की जगह के प्लस 1 लिखकर हमने स्टेटमेंट एस के प्लस 1 बना ली है। यहाँ पे एन को के प्लस 1 से रिप्लेस करके के प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन के प्लस 1 प्लस 3, के प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन के प्लस 1 प्लस
3 यानी k प्लस 4। ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी है। इसको हम लेट्स से नंबर 1 डिनोट कर लेते हैं। हमने इसको प्रूफ करना है, एस के को सपोज करते हैं और उसकी मदद से इसको प्रूफ करते हैं। हमने सपोज कर लिया कि स्टेटमेंट एस के ट्रू है फॉर एनी इंटीजर के ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए, और स्टेटमेंट एस के लिख कर बनाई है एस एन में एन की जगह के स्क्वायर ग्रेटर है के प्लस 3 से, ये हमने ट्रू मान ली है। इसकी मदद से ये वाली स्टेटमेंट हमने बनानी है। इस स्टेटमेंट में जो हमने बनानी है, देखें लेफ्ट साइड पे है के प्लस 1 का स्क्वायर। हम यहाँ पे के प्लस 1 का स्क्वायर बनाना चाहते हैं। अगर इसमें लेफ्ट साइड पे साथ में 2k प्लस 1 हो तो हम दोनों साइड्स पर 2k प्लस 1 ऐड कर लेते हैं। याद रहे मैंने आपको स्टार्ट में कुछ इनक्वालिटी के स्पेशल रिजल्ट्स बताए थे कि छोटी साइड पे कोई मज़ीद पॉजिटिव नंबर माइनस कर दें छोटी हो जाएगी ट्रू रहेगा, बड़ी साइड पे कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर लें सिर्फ एक साइड पर बड़ी साइड पर तो वो ग्रेटर रहेगा। इन रिजल्ट्स के साथ साथ जो इक्वालिटी के सारे रिजल्ट्स हैं कि एक ऑपरेशन दोनों साइड्स पर कर सकते हैं वो भी इनक्वालिटी में होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2k प्लस 1 दोनों साइड्स पर ऐड कर रहा हूँ, और क्यों ऐड कर रहा हूँ, ताकि लेफ्ट साइड पे k प्लस 1 का स्क्वायर बन जाए जो हमने प्रूफ करना है। टू के प्लस 1 को हमने दोनों साइड्स पर ऐड कर लिया है, लेफ्ट साइड पे बन गया के प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट साइड पर मेरे पास प्लस 1 और प्लस 3 को कर लें तो के प्लस 4 हो जाएगा और प्लस का 2k लिख लिया। लास्ट में राइट साइड पर हमें इनक्वालिटी बनानी है के प्लस 4, राइट साइड पर 2k नहीं चाहिए। क्या 2k पॉजिटिव नंबर है? अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इसे माइनस कर देने से राइट साइड छोटी है मज़ीद छोटी हो जाएगी ट्रू रहेगी। के एक ऐसा नंबर है के ग्रेटर इक्वल टू 3 है, तो 2k क्या होगा, 2k ग्रेटर इक्वल टू 6 होगा, यानी 2k जो है वो 6 या 6 से बड़ा है पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव नंबर है 2k, पॉजिटिव नंबर को अगर हम छोटी साइड से सब्ट्रैक्ट कर दें तो इनक्वालिटी ट्रू रहती है। तो हमारे पास बन गया k प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर टू के प्लस 4, यही एस के प्लस 1 है। हमने एस के को ट्रू पोज कर लिया और हमने एस के प्लस 1 ट्रू प्रूफ कर दी। एस के प्लस 1 ट्रू होने से प्रूव हो गया कि कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई है। अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों सेटिस्फाई हो गई हैं तो इसका मतलब है गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल इंटीजर्स एन ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए। हैंस बाय एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल नोटेशन गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल इंटीजर्स एन ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए। ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है, इसके मार्क्स होते हैं।